सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज से हम पोकेमोन एमराल्ड की शुरुआत करने वाले हैं। सभी लोग इस गेम का बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे और फाइनली आज से हम इसकी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। और गाइस, ये मेरा फेवरेट गेम है, मतलब गेम बॉय में यार पोकेमोन एमराल्ड जैसा कोई भी गेम नहीं है, इसलिए सभी इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें पता नहीं कौन से नए पोकेमोन, कौन से नए विलेंस और कौन सी जर्नी हमारे इंतजार में है। ओके, तो हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं न्यू गेम से। ओके, देखते हैं यार आगे क्या होने वाला है, मुझे भी ठीक से नहीं पता, बहुत समय हो गया मैंने इसे नहीं खेला। ओके, तो देखते हैं। ओके, एकदम न्यू प्रोफेसर हमारे सामने है। हाई, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। ओके, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पोकेमोन। माय नेम इज बिर्च पता नहीं क्या, बट एवरीवन कॉल्स मी द पोकेमोन प्रोफेसर। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल अ पोकेमोन। ओके, दिस वर्ल्ड इज वाइल्डली, हो गया यार पढ़ाई लिखाई, मैं नहीं करने वाला ये सब। ओके, तो जल्दी मैं इसे स्किप करूंगा, देखते हैं। ओके ओके भाई, हो गया ना गाइज। रियली यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, आर यू बॉय और अ गर्ल? बॉय गर्ल। ओके, ये मे है, मुझे वैसे मे कैरेक्टर पसंद है बट मैं बॉय ही लूँगा। मैं ले सकता तो मैं यार मे लेता। ओके, पीवेंजर ही करूँगा गाइज, क्योंकि मेरा नाम तुम्हें पता है यहाँ पर नहीं आता है, पिछले बार भी हमने ट्राई किया था पोकेमेंजर पर नहीं आता है। ओके, पीवेंजर सिंपली। अरे यार लेकिन मुझे शायद स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखना चाहिए था इसे, क्या कहते हो? ओके, तो मैं इसे हटाने वाला हूँ, मुझे स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखना था। ओके, तो पीवेंजर गाइस, पता नहीं क्यों यार, मतलब तुम लोग अगर पोकेमोन ओमेगा रूबी देखो ना तो उसमें मेरा पूरा नाम आता है पोकेमेंजर, बट इसमें नहीं आता। इस गेम के बाद अगर तुम बताना क्या करना चाहिए, मैं पोकेमोन ओमेगा रूबी खेले, तुम लोग बताना। अगर तुम लोग वोट करोगे नेक्स्ट टाइम तो तब देखेंगे, अभी तो हम इस गेम को फिनिश करने वाले हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को लेकर। ओके, तो हमारा नाम पीवेंजर आ चुका है, गेट इट नाउ। देखते हैं, चलो अपनी नई जर्नी में चलें, हमें पूरी जर्नी को करना है यार, पूरी जर्नी पार करनी है इसकी। देखते हैं कौन से नए एडवेंचर्स हमारे इंतजार में हैं, और आई होप कि तुम सभी को मजा आएगा मेरे साथ इस जर्नी में पिछले बार की तरह। ओके, ओ ये हम कहाँ हैं, ये हिल क्यों रही है जगह? ओके, ये हम, मुझे लगा था मैं अपने कमरे में हूँगा बट ये मैं कहाँ हूँ? ओके ओके ओके, ये कुछ तो हो रहा है, कोई जगह पर हम, गेट खुला है, देखते हैं। ओके भाई, ये न्यू ट्रक था, मैं ट्रक के अंदर क्यों था, क्या मैं किडनैप हो गया था? मॉम पोकेमेंजर वेयर हेरो। ओके ओके ओके, लिटिल टाउन हाउ। अच्छा, ये न्यू है ओमेन का, ये कहीं शिफ्ट हुआ है। ओके, ये इनका एक नया घर है। ओके, एंड गेट योर ओन रूम। ओके, यहाँ पर मेरा एक नया रूम भी है, मॉम ये कह रही हैं कि हमारा यहाँ पर एक नया रूम भी है और ये हमारा एक नया घर है। ओके, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा एक नया रूम है। वैसे मैं क्या करूँगा यार, बच्चा भी नए नए रूम में आया है, न्यू घर में आया है और जर्नी में निकलने वाला है। ओके ओके, तो मेरे डैड ने भी यहाँ पर एक न्यू क्लॉक खरीदी है मेरे लिए, जहाँ पर मुझे टाइम सेट करना है। सबसे पहले गाइज, मैं हमेशा तुम सभी से कहता हूँ कि अगर तुम कोई न्यू गेम स्टार्ट करो तो यहाँ पर जाके पोशंस निकाल लिया करना। आई होप कि यहाँ पर होगा, जैसा मुझे पता था, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी तुम्हारे। अगर तुम सोच रहे होगे एक पोशंस तुम्हारे क्या काम आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ये पोशन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे तुम बेसिकली अपनी पहली राइवल बैटल जीत सकते हो। ओके ओके, तो हमने इस कर दिया जो भी टाइम सेट करना था हमें। वैसे इस टाइम से क्या होगा यार, मुझे समझ नहीं आता इस टाइम की क्या ज़रूरत है, पता नहीं। ओके, मॉम बोल रही है कुछ, ओवेंजर क्विक, कम क्विकली। ओके, लुक इट्स पेडलवर्क जिम, मे बी डैड विल बी ऑन। ओके, हमारे डैड टीवी पर हैं, टीवी पर हैं यार हमारे डैड, मतलब फेमस हैं। ऐश के और रेड के डैड के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, बट हमारे डैड टीवी पर हैं। ओके ओ यस, ओके ओके ओके, ही लिव्स नेक्स्ट डोर और ओके ओके, अच्छा मैं समझ गया यार, मतलब हमारे जो डैड है ना इस गेम में, हमारे जो डैड हैं उनके प्रोफेसर बिर्च दोस्त हैं। ओके, तो हमें उन्हीं के पास जाना होगा। लैब आई थिंक उनकी यहाँ पर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ना लैब, लग तो नहीं रही देखने से पोकेमोन रिसर्च लैब जैसे, बट हाँ ये उनकी लैब है। ओके, तो यहाँ पर कोई नहीं है जैसा हमेशा होता है, पहले हमें कहीं पर जाना होगा फिर बाद में हमें ये मिलेंगे। देखते हैं दूसरे हाउस में जाकर इसमें क्या है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। ओह हेलो एंड यू आर, जो भी हो, जहाँ तक मुझे पता है गाइस, आई थिंक कि प्रोफेसर बिर्च की बेटी मे है, जहाँ तक मुझे पता है। ओके, तो आई थिंक उसे यहीं पर होना चाहिए, उन्होंने बोला है कि हमारी डॉटर ऊपर है, पर यहाँ तो नहीं है यार। ओके, ये रही मे, जैसा मुझे लगा था। ओके, तो ये मुझे नहीं जानती, पूछ रही है कौन है यार, मैं इसके घर के बगल में रहता हूँ और इसे पता नहीं मैं कौन हूँ। ओह ओह, अच्छा, मैं अभी यहीं पर शिफ्ट हुआ हूँ, मतलब
हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं ना, तो इसे नहीं पता मैं कौन हूँ। ओके कोई बात नहीं, हमें सब बहुत जल्दी अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। वैसे भी ये हमारी जर्नी की राइवल है, तो हाँ इससे हमारा बहुत बार सामना होने वाला है। और आई होप कि गाइस हम इस जर्नी को कमाल का करेंगे, मतलब रियली यार बहुत ज़्यादा कमाल की, एकदम न्यू पोकेमॉन्स हम लेने वाले हैं। वैसे मुझे लगा था ये पोकेबॉल मुझे मिल जाएगी, बट नहीं मिली, वो मेक ही पोकेबॉल है, अगर हम होते ना तो उठा के चले जाते। ओके वैसे गाइस सोचो यार इसके पास में कितने कमाल के पोकेमॉन्स होने चाहिए। ओके ओह हाय, देयर वॉज स्कैरी पोकेमॉन आउटसाइड। ओके गाइस जहाँ तक मुझे पता है अब क्या होने वाला है, यहीं पर हमारी जर्नी की पहली कदम है, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप है जर्नी का, हमारा पहला पोकेमॉन हमें यहीं पर मिलने वाला है। ओके ओके इसकी मदद करनी है, ये है पोकेमॉन रिसर्चर बिर्च, प्रोफेसर बिर्च जो भी हो बिर्च। ओके टॉर्चिक, ट्रिको और मटकिप। गाइज मुझे कौन सा लेना चाहिए, टॉर्चिक फायर टाइप पोकेमॉन, फायर टाइप टॉर्चिक, या फिर मटकिप जो कि वाटर टाइप है, या फिर ट्रिको एक ग्रास टाइप पोकेमॉन। गाइज कौन सा लूँ मैं, ऑब्वियसली यार ट्रिको, तुम सभी को पता है ये कितना काम का है इस गेम में, मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ट्रिको के पास में सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, मतलब अगर पोकेमॉन एमराल्ड खेलो ना तो ट्रिको लेना, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है अपनी दूसरी वीडियोस में। ओके पर रियली आज मतलब तुम लोग खुद देख लेना ये हमारे कितने फ़ायदेमंद है। वैसे अगर हम पोकेमॉन ओमेगा रूबी खेलते ना, जैसे मैं पोकेमॉन रूबी खेलता या ओमेगा रूबी खेलता, तो मैं उसमें बेसिकली टॉर्चिक लेता, बट नहीं यार हम ट्रिको लेंगे क्योंकि ये एमराल्ड है। ओके तो आसानी से हरा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल दो का तो ज़िगज़ैगून है, ज़िगज़ैगून ओके ज़िगज़ैगून कमाल का पोकेमॉन है। वैसे गाइज मुझे नहीं पता यार मेरी पोकेमॉन टीम कौन सी होगी इस न्यू गेम में, तो तुम लोग बता देना। ओके थैंक्स अ लॉट। वैसे गाइज तुम सभी बताना तुमने अपनी पोकेमॉन एमराल्ड की जर्नी में कौन सा पोकेमॉन चूज़ किया था, मतलब पोकेमॉन ओमेगा रूबी या शेफार का मत बताना, सिर्फ पोकेमॉन एमराल्ड का। ओके तो हम इनकी कन्वर्सेशन देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं हमसे, देखते हैं। ओके आई गेस यू हैव योर फादर्स ब्लड इन योर वेन्स आफ्टर ऑल। बिल्कुल यार हमारे पिताजी का खून हमारे नसों नसों में है। ओके मतलब गाइज इनकी बातों से ऐसा लग रहा है ना कि हमारे डैड भी कमाल के कोई ट्रेनर हैं। वैसे मुझे नहीं पता अभी हमारे डैड कौन है इस गेम में, बट जो भी है ना कमाल के होने चाहिए, क्योंकि उनका बेसिकली यार टीवी में इंटरव्यू हो रहा था, और तुम्हें खुद पता है कि इन्होंने भी बोल दिया कितने कमाल के ट्रेनर्स हैं, तो ऑब्वियसली यार होंगे। बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे, बाद में कोई और वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो मैं इसे नाम दूँ क्या, ट्रिकी ट्रीसी ट्रिकी, यार नहीं यार वैसे मैं नाम देने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मैं नाम देने की नहीं सोच रहा हूँ। वैसे नहीं देना चाहिए यार, मैं नाम देने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, क्या लगता है। नहीं यार मैं नाम नहीं दूंगा। ओके बैक होने की सोच रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नाम देना बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके तुम्हें पता है मैं यार मेरे रिकॉर्ड्स कितने ख़राब हैं नाम देने के, अगर तुम्हें तुम्हारे पास में कोई अच्छे नेम्स हो ना तो मुझे कमेंट्स बताना, और पोकेमॉन टीम बताना मुझे कौन से पोकेमॉन को चूज़ करना चाहिए। वैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है गाइस। ओके तो बेसिकली अब कहीं और जाना होगा हमें, ये तो कुछ देने नहीं वाले। ओके मे को ढूंढ रहे हैं, मे को हमें ढूंढने जाना पड़ेगा। जहाँ तक गाइस मुझे थोड़ा बहुत याद है यहाँ का सीन, हमें मे को ढूंढने जाना है। ओके हमारी बैटल मे से होने वाली है, जैसे हर गेम्स में होता है, मतलब पोकेमॉन अगर तुम पोकेमॉन फायर रेड देखो तो उसमें हमारा सामना ब्लू से होता है, और इस गेम में हमारी फर्स्ट राइवल बैटल होगी मे से। वैसे वो यहाँ पर नहीं है, उसे हमें ढूंढने जाना पड़ेगा और उसे वापस घर भेजना है। ओके तो फर्स्ट हमारी फर्स्ट एनकाउंटर ज़िगज़ैगून से, ज़िगज़ैगून ओके एक लेजेंडरी पोकेमॉन ज़िगज़ैगून। ओके तो मैं इसे हराऊंगा गाइस, क्योंकि मुझे अपने पोकेमॉन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है जिससे मैं मे का सामना कर पाऊँ, क्योंकि यार उसके पास में बेसिकली अभी अगर मैंने एक ग्रास टाइप लिया है ना तो उसके पास में ऑब्वियसली फायर टाइप पोकेमॉन है, मतलब उसके पास में टॉर्चिक है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वैसे भी हर एक गेम्स में यार जो भी हम पोकेमॉन ले हमेशा हमारा राइवल एडवांटेज वाला पोकेमॉन ही लेगा, तो इसलिए वो पोशन हमेशा रहता है। अगर तुम्हें जीतना है ना तो वो पोशन हमेशा ही काम आता है, और इस बार भी मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। पिछली बार भी मैंने ब्लू से लड़ते समय उसका यूज़ किया था, और इस बार भी करूँगा यार, क्योंकि हमेशा वो फ़ायदे की चीज़ है। और हम मेरे ख्याल से गाइस उस चीज़ को इसीलिए रखा गया है क्योंकि अगर तुम राइवल से लड़ो ना तो तुम उसका यूज़ करो। ओके न्यू पोकेमॉन पूछियाना, देखते हैं इस बार कौन से पोकेमॉन्स की टीम हमें बनानी है। पिछले बार मेरी टीम में रियली यार कमाल के पोकेमॉन्स थे, मतलब जो काम हमने एंड में किया था ना वो तो कमाल का था, मतलब ड्रैगनाइट को हटा दिया था,
बट रियली हमने ज़ेप्डोस को टीम में रखकर बहुत कमाल का काम किया था, जो कि बहुत फायदे की बात थी यार। मतलब तुम लोग खुद बताना पोकेमोन फार रेड में यार तुम्हें कैसे लगा था, ज़ेप्डोस ने लास्ट में कमाल कर दिया था। रियली वो सब इंसेन था यार, मजा आ गया था ना। मतलब मैंने जो डिसीजन लिया था ना फाइनल्स में वो एकदम कमाल का था। बिल्कुल हमारे गेम के लास्ट में मैंने एकदम से डिसीजन ले लिया था कि मुझे ज़ेप्डोस को अपनी टीम में रखना है, और वो रियली बहुत सही डिसीजन था। ओके तो एकदम न्यू नर्स जॉय। ओके मैं पिछली वाली नर्स जॉय को थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, बट रियली यार इस बार की नर्स जॉय भी कमाल की है, क्या बात है। ओके तो हमारा पोकेमोन एकदम ठीक हो चुका है, मैं वापस जाने वाला हूँ। गाइज रियली अभी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे रेकवाजा चाहिए यार इस गेम में। मैं अपनी टीम में रेकवाजा को पकड़ना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, बट मुझे रेकवाजा चाहिए यार। ओके तो सेकेंड बैटल आई थिंक मुझे लड़ना चाहिए या फिर सिर्फ इग्नोर कर देना चाहिए। वैसे गाइज हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा अगर हम इससे फाइट कर लें। वैसे नहीं यार, अभी तो हमने कर ली थी एक फाइट, लेवल 6 का है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, ये रही मैं, जैसा मुझे लगा था यहीं पर है मैं। वैसे यहाँ पर ये करने क्या आई है, अगर ये अपने डैड से बोलती ना तो इसे टॉर्च एक नहीं कंबस्किन दे देते। बट रियली यार तुम खुद सोचो गाइस, अगर तुम्हारे डैड एक पोकेमोन रिसर्चर या फिर प्रोफेसर होते तो तुम क्या करते। तुम्हारे पास में तो लेजेंडरी पोकेमोन्स होते, मतलब पर्सनली मैं कहूँ ना तो अगर ऐसा कुछ होता ना तो मेरे पास मतलब सबसे पूरे रीजन के सबसे कमाल के पोकेमोन्स होते, और सारे मतलब लेजेंडरी भी हो सकते थे उन टीम में, और मैं सिंपली कोई बेकार पोकेमोन तो कभी नहीं पकड़ता। ओके आई गेव यू अ टेस्ट ऑफ व्हाट बीइंग अ ट्रेनर इज लाइक। ओके तो मैं हमारा सामना कर रही है पोकेवेंजर और वर्सेस मे, पोकेवेंजर और मे की फाइट होने वाली है, देखते हैं कौन बेस्ट है। कंबस्किन जो कि फायर टाइप है, सॉरी यार टॉर्चिक जो कि फायर टाइप है, और ट्रीको। ओके एब्जॉर्ब हमें जो मूव मिला था मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ, पता नहीं ये काम आएगा या नहीं, देखते हैं। वॉट यार इतनी सी हेल्थ गई, वो तो हिली भी नहीं, मुझे लगा था कि थोड़ी ज़्यादा जाएगी, और पाउंड का यूज़ करता तो इससे ज़्यादा जाती। भाई ये क्या है, उसके अटैक से हमारी आधी हेल्थ चली गई। वैसे कोई बात नहीं, अभी हमारे पास में हमारा सबसे खतरनाक एक मतलब सबसे खतरनाक चीज़ बची हमारी, जो कि बहुत ज़्यादा काम आएगी। ओके पोशन, जैसा कि मुझे पता था गाइस ये चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है हमेशा हराने के लिए, अगर मैं इसका यूज़ नहीं करता ना तो आज शायद हम हमारी पहली बैटल हार चुके होते। बट नहीं यार ऐसा नहीं होने वाला, मैं नहीं हारने वाला, हमारे रिकॉर्ड में हम कभी भी नहीं हारे हमारी फर्स्ट बैटल, देखते हैं इस बार क्या होता है। वैसे गाइस अगर इसने इसकी फिर से वैसी क्रिटिकल हिट हो गई ना तो आई थिंक मैं हार जाऊँ, बट नहीं यार अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैं हारूंगा, बस आई थिंक क्रिटिकल नहीं हो, बहुत सही हम जीत चुके हैं, हमारी फर्स्ट राइवल बैटल हमने जीत ली है जैसा कि इन्होंने मुझे कहा था। ओके हमारे नसों में हमारे डैड का खून है। ओके तो लेवल 7 का हो चुका है हमारे ट्रीको, हमारी फर्स्ट राइवल बैटल हम जीत चुके हैं। वैसे में कमाल की थी यार, मतलब उसका पहला अटैक देख के तो मैं डर गया था, क्योंकि बेसिकली यार एक अटैक में हमारी आधी हेल्थ चली गई थी। मुझे लगा था मैं अपनी पहली राइवल बैटल हार ना जाऊं, बट फाइनली हम जीत चुके हैं। वो पोशन रियली बहुत ज़्यादा काम आया है, मैं थोड़ा सा डर गया था बट थैंक गॉड वो पोशन लेजेंडरी चीज़ है, हमेशा हर गेम में वो पोशन वहीं रखा रहता था, तो उसे लेना कभी मत भूलना। ओके तो वापस जाना होगा हमें प्रोफेसर की लैब में, जहाँ पर हमें हमारा पॉकेट एक्स मिलने वाला है हर बार की तरह। ओके ओवर हेयर लेट्स हरी होम। ओके वैसे किसका होम, तुम्हारा या मेरा। ओके टाएँ मारियो वाली स्टाइल में टाएँ। ओके तो वापस जाना होगा। वैसे गाइस अगर तुम्हारे पास में कोई पोकेमोन की टीम है सजेशंस के लिए तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बता देना, हमेशा की तरह। पता नहीं यार कौन से पोकेमोन्स हमारे टीम में होने चाहिए, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मतलब तुम लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे ना भाई जल्दी स्टार्ट करो पोकेमोन एमराल्ड स्टार्ट करो, डेली मुझे इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस आते थे ना कि जल्दी से स्टार्ट कर दो इस जर्नी को। तो बेसिकली यार फाइनली मैंने इसे स्टार्ट कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था बट इसे स्टार्ट कर दिया। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में तुम्हारी टिप्स देना मत भूलना, जाना मुझे अपनी पोकेमोन टीम बताना कौन से पोकेमोन बेस्ट होंगे आगे के लिए। वैसे मैंने ट्रीको लिया है तो ट्रीको के हिसाब से बताना वैसे हमें कौन से पोकेमोन रखने चाहिए, तो प्लीज़ जाओ कमेंट्स में बताओ, और तुम्हारी मेमोरी शेयर करना इस गेम की, तुमने बेस्ट क्या क्या किया था। और हाँ गाइस एक और चीज़, कितने लेजेंडरी पोकेमोन्स हैं इस गेम में, कौन से लेजेंडरी पोकेमोन्स। ओके तो हमें पोकेबॉल्स मिल चुकी हैं और हमारा पॉकेडेक्स भी मिल गया है। ओके यार इतनी सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर। ओके तो वापस जाना होगा हमें। वैसे गाइस हमें सब कुछ आज मिल गया है, हमारा फर्स्ट पॉकेडेक्स, हमारा फर्स्ट पोकेमोन, 5 फ्री की पॉकीबॉल्स हमें खरीदनी नहीं पड़ी। ओके और यहाँ पर मॉम भी हमें कुछ देने वाली हैं, व्हाट एन अडोरेबल पोकेमोन। ओके तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि
कमाल का पोकेमोन है तुम्हारा, देखा हमारी मॉम को भी ट्री को पसंद आया, तो तुम सभी को जरूर पसंद आएगा। वैसे गाइस मुझे ट्री को रियली बहुत पसंद है, ऐश का ट्री को स्पेशली, जब वो मतलब इवॉल्व होता है ना, तुम सभी को पता है सेप्टाइल कितना कमाल का पोकेमोन है। तो बेसिकली मैंने ये लिया है पोकेमोन क्योंकि ये मुझे पसंद है और ये एडवांटेज वाला भी पोकेमोन है। ओके तो वापस हम जाने वाले हैं घर में। ओ नाइस, हमें रनिंग शूज मिल गए, मॉम ने दिए हैं, देखो दौड़ने में भी मजा आएगा इस बार, इस गेम में दौड़ने में मजा आने वाला है। तो गाइस चाओ कमेंट्स में बताओ तुम्हारे पोकेमोन्स की टीम बताओ, सबसे बेस्ट कौन से पोकेमोन्स हो गए हमारी जर्नी के लिए, और तुम्हारे पास में जो कुछ भी टिप्स हो जाओ पोकेमोन एमराल्ड की टिप्स बताओ। तो गाइस हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, तुम्हें गेम कितना ज्यादा पसंद है, जाओ लाइक करो और कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारी जर्नी में जुड़ जाओ। वैसे मुझे यहाँ पर जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हमें इतनी बड़ी जर्नी में जाना है। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।